हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा प्यार और नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप अपने घरों में ठीक होंगे और हम लोग भी सब ठीक हैं यहाँ पे। और आज के जो दिन की शुरुआत हम करेंगे आरती से, और आज है नवरात्र का छठा दिन। और मैंने सुबह के जो काम है सारे निपटा लिए हैं और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे दिया जलाने के लिए। सबसे पहले मैं जला लेती हूँ दिया और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। मैं आ गई हूँ छत पे, और छत पे भी ना सोचो कि थोड़ी देर घूमने, बट ना छत पे भी इतनी हवा चलती है ना, घूमने का मन ही नहीं करता है। और आज तो ना इतने दिनों के बाद ऐसे धूप निकली है, करीबन एक हफ्ते में। और वैसे तो ठीक था मौसम, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा ठंडी थी, फिर भी ना धूप तो ज़रूरी है। और ये है हमारे बाहर का व्यू, देखिए कितना सुंदर सुंदर सा है। ये बैक साइड है हमारी, मैंने ना पहले भी दिखाया था आप लोगों को। और दोपहर का टाइम है, व्रत है तो दिन में सोते नहीं हैं, नींद आ रही थी ना इसीलिए मैं छत पे आ गई। और देखिए आगे साइड भी, अभी कोई बच्चा नहीं दिख रहा है, शाम के टाइम पे आते हैं बच्चे, अभी लग रहा है कोई सो रहे हैं, कोई ड्यूटी में होंगे, तो बिल्कुल सन्नाटा है। थोड़ी देर में आएंगे बच्चे। और तो यहाँ पे देखिए मैंने तुलसी रखी है अपनी, ज़्यादा प्लांट नहीं लगाए हैं मैंने, एक यहाँ पे प्लांट लगाया है, ये भी अभी अभी लगाए हैं, और यहाँ पे भी प्लांट है, एलोवेरा है और तुलसी लगाई है। ज़्यादा पौधे इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि क्या है ना कि कहीं भी जैसे हमारी पोस्टिंग आती है, सामान ज़्यादा हो जाता है, तो हम गमले ना जहाँ जाते हैं वहीं छोड़ के आ जाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा गमले नहीं रखे हैं। जो थे भी वो भी छूट गए, जहाँ से हमारी पहले पोस्टिंग हो गई, मतलब हुई थी, तो एक दो गमले वहीं छूट गए। और मेरे को ना अभी एक मैं सोच रही थी उसका स्ट्रॉबेरी का पौधा लेके आऊँ, बट क्या है ना रखूँगी कहाँ पे, छत पे तो बंदर आते हैं, बच्चे भी खेलते रहते हैं, और नीचे बालकनी नहीं है, बालकनी होती तो मैं बालकनी में रखती और बच्चे तोड़ फोड़ देंगे, तो इसीलिए ना नहीं खरीद रही। उसके पापा को बोल तो रही हूँ ला दो करके, अभी देखते हैं क्या करेंगे, ला देंगे या नहीं, बोलेंगे पौधा कहाँ रखेगी। फिर क्या होता है ना, कभी कभी छुट्टी जाते हैं, जैसे एक एक दो दो महीने की छुट्टी जाते हैं, तो पौधे ना ये सारे मर जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने ना यहाँ पे लगाया था पहाड़ी पुदीना, सर्दियों में ना पूरा ही जल गया था, अभी मैं डेली पानी डाल रही हूँ, कुछ कुछ दिख रहा है, पता नहीं होगा या नहीं, वैसे तो होना चाहिए क्योंकि पुदीना थोड़े में ही लग जाता है, मगर ये क्या है ना यहाँ पे पौधे लग भी जाते हैं ना, तो पता नहीं काले काले से कीड़े लग जाते हैं, और इनकी जो पत्तियां हैं डंडे हैं सारे खा देते हैं और सारी जो पौधा है उसको ख़राब कर देते हैं। फिर चलते हैं नीचे। तो दोस्तों आज बनाएंगे हम एक छोटी सी वीडियो, कि ना जब भी मैं बाहर सिविल में रहती थी या गांव में जाती हूँ, या कोई भी दोस्त जो आर्मी से बिलोंग नहीं करते हैं वो लोग पूछते हैं तुम लोगों को तो ये फ्री मिलता है ना, ये फ्री मिलता है, क्या क्या फ्री मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उन लोगों के। वीडियो के माध्यम से छोटा सा वीडियो बनाऊँगी और उसमें सारा कुछ बताऊँगी कि हम लोगों को क्या क्या फ्री मिलता है और क्या क्या हमको ख़रीदना पड़ता है। हम लोगों को ना आर्मी क्वार्टरों में जो मेरे पास है, मैं पहले वो बताती हूँ। सबसे पहले तो देखिए जो ये ट्यूब लाइट है ये फ्री है, और जो ये CFL वाले बल्ब होते हैं वो मेरे फ्री हैं, और दो बल्ब फ्री हैं। और उसके बाद देखिए ये जो मेरी शीशा है ना ये वाला, वो फ्री है, और देखिए ना इस पर चेहरा भी नहीं दिखता है, बिल्कुल ख़राब है, चाहे कितना भी साफ करो ना ये पहले से ही ऐसे, इसको हम फेंक भी नहीं सकते क्योंकि जब हम क्वार्टर छोड़ेंगे ना तो हमने ये दिखाना होगा, क्योंकि लिखा रहता है कागज़ों में कि ये चीज़ें हमने फ्री दी है। और मैंने ना यहाँ पे कोई भी चीज़ फ्री में, मतलब जो आर्मी की तरफ से मिलती है वो नहीं है। अब मैं बताती हूँ कि वैसे क्या क्या मिलता है। वैसे ना हमको तीन चारपाइयाँ मिलती हैं, दो बेडरूम के लिए और एक फर्स्ट रूम के लिए, जैसे कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए होती है, और दो बेडरूम के लिए होती है, जो आप लोगों ने देखी होगी नल वाली नहीं होती है। कभी कभी क्या, पहले जो जब मैं शुरू में इसके पापा के साथ आई थी ना, उस टाइम पे हमको नेवार वाली चारपाई मिलती थी, आप लोगों ने बहुत देखा भी होगा, घर के बाहर रखते हैं या मतलब बैठने के लिए वो वाली चारपाइयाँ मिलती थी। और बाद में अभी क्या है, जैसे जैसे थोड़ा सा डेवलप हो रहा है तो अभी हमको प्लाई वाली चारपाई मिलती है, सारी प्लाई होती है, जो सिराना होता है वो चीज़ नहीं होती है, दीवान नहीं होते हैं, सिर्फ प्लाई वाली चारपाइयाँ होती है, तो वो हमको तीन मिलती हैं,
एक बेडरूम के लिए, सॉरी दो बेडरूम के लिए और एक फर्स्ट रूम के लिए। और हमको दो टेबल मिलते हैं, एक तो डाइनिंग टेबल और एक छोटा वाला टेबल, और चार चेयर मिलती हैं, जैसे डाइनिंग टेबल पे या कहीं पे भी यूज करो चार मिलती हैं। और जैसे क्वार्टरों में, ये तो पुराने क्वार्टर है ना, जैसे कहीं कहीं पे क्या है नए क्वार्टर हैं, ऐसा तो नहीं है कि हर जगह ही पुराने क्वार्टर हों, कहीं कहीं पे नए क्वार्टर भी हैं तो उसमें गीजर लगा होता है और क्या बोलते हैं सारे टाइल्स टूल से लगे होते हैं, बट यहाँ पे पुराने क्वार्टर हैं तो ये फैसिलिटीज नहीं है। और वैसे भी ये अंडर रिपेयर में है, हो सकता है ये एक महीने बाद खाली करवा दें, या मतलब थोड़े दिन मतलब रह सकते हैं हम लोग, जब तक मतलब रहने दे रहे हैं हम लोगों को। और यहाँ पे दो फैन मिलते हैं, एक फर्स्ट रूम के लिए और एक बेडरूम के लिए, बट मैंने ना एक ही फैन रखा है और दूसरा जो मेरा बेडरूम का फैन है ना, वो हमारा घर का ही है। वैसे ना कहीं कहीं पे ड्रेसिंग शीशा भी होता है, बट यहाँ पे छोटा वाला है जो क्या बोलते हैं वॉश बेसन के बगल में लगा है, वही ना वो किसी किसी पे बड़ा होता है, बट यहाँ पे छोटा है। और कहीं कहीं पे एक दो स्टूल भी मिल जाते हैं। और ये ना मैंने जो सारी चीज़ें खरीदी हैं, देखिए ये मेरा जो बेड है और ये अलमीरा है, और वैसे अलमीरा भी मिलती है, वो होती है लोहे की, बट मेरे ना ये लकड़ी की है, ये मैंने खुद ही बनाई है। और ये टेबल और चेयर, ये मेरे सारा ही अपना खरीदा हुआ है। और क्या मिलता है बस यही चीज़ मिलती है। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं ना, मैं दिखाती हूँ किस बारे में पूछे जाते हैं, वो है कि जो खजाना है मेरा, आप लोगों को भी आज मैं दिखाई देती हूँ वो, वैसे तो बहुत बार देखा है बट मेरे मुंह से सुनानी है ना उस खजाने के बारे में, तो आज मैं बोल के बताती हूँ वो खजाना। ये बॉक्स ये वाले जो बॉक्स है ना, ये 1, 2, 3, 4 और 5, 6, ये जो दो बैठने वाले बनाए हैं ना मैंने यहाँ पे भी देखिए, ये 6 हैं, और उसके बाद यहाँ पे 3 बॉक्स, यहाँ पे 7, 8, 9 बॉक्स हैं मेरे पास। ये वाले थोड़े से छोटे हैं, ये ना इसके पापा ने मेरी शादी से पहले बनाए थे, जो दो बॉक्स यहाँ पे छोटे वाले रखे हैं, ये दो बॉक्स से पहले बनाए हुए थे और ये हमने बाद में खरीदे हैं। देखिए ये इतने बड़े बड़े बॉक्स हैं, ये 4 बॉक्स बहुत बड़े हैं मेरे। तो ये खजाना ना हर किसी आर्मी वाले के पास मिलेगा आप लोगों को, और ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ध्यान से सुनना दोबारा से, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं कि ये बॉक्स आप लोगों को फ्री मिलते हैं, बट मैं बता दूँ नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, ये हमको खरीदने पड़ते हैं। और बाद में जब आर्मी से जब रिटायर हो जाते हैं ना, तो सभी लोग बोलते हैं हमने कबाड़ी को दे दिया या किसी को दे दिया या ऐसे ही स्टोर रूम में डाल के रखे हैं, बाद में ये किसी काम के नहीं है। थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो, बट ये जो 8-9 बॉक्स है ना, मैं भी बहुत टेंशन में रहती हूँ जब हमारी गाड़ी की लोडिंग होती है ना, तो ये 8-9 बॉक्स जब रखते हैं ना, जो छोटा वाला पिकअप हो तो इनसे ही भर जाता है, और चीज़ों के लिए तो मतलब अब लग रहा है बड़ा वाला, जब हम इधर उधर जाएंगे ना तो बड़ा वाला ट्रक ही मंगाना पड़ेगा हमको। तो यही सब चीज़ें मिलती हैं दोस्तों, और ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, और हमने सारी चीज़ें ही खरीदनी पड़ती हैं। वैसे तो देखिए क्या है ना, जैसे थोड़े दिन रह रहे हो या छोटी मोटी फैमिली है तो उसके लिए आराम से मतलब सारा ही कुछ मिल ही जाता है, जैसे 3 चारपाइयाँ हो गई, 4 चेयर हो गई, और 2 फैन हो गए, और टेबल हो गए 2, और लाइट हो गई, और सारा ही कुछ वैसे मिल ही जाता है, जैसे गद्दे खरीदने पड़ते हैं तो यही चीज़ें मिलती हैं हम लोगों को। अब रहते रहते बहुत टाइम हो गया है, तो मेरे को ना कम से कम इनके साथ रहते रहते 14-15 साल होने वाले हैं, शादी को 15 साल हुए तो 14 साल हो गए हैं, क्योंकि एक साल ही घर में रही थी, उसके बाद मैं इनके साथ में हूँ। और उसके बाद क्या होता है ना, जैसे कभी कोई मेहमान आता है, तो सारी चीज़ें चाहिए चाहिए धीरे धीरे करके ना। जब हम शुरू में आए थे ना, मैं घर से कुछ भी नहीं लाई थी, मतलब एक चम्मच भी हमने यहाँ आके ही खरीदा है, जब हम घर से आए थे सिर्फ मतलब 2-3 जोड़ी कपड़े अपने, और इनके तो खैर यही थे, कुछ भी नहीं लेके आए थे, सारा कुछ हमने धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा खरीदा, ज़्यादा भी नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि ज़्यादा खरीदने से भी इधर उधर कैसे ले जाओ, बट मेरा ना थोड़ा थोड़ा करके तो बहुत ही सामान हो गया है। तो ये था आप सभी लोगों के मन में जो सवाल उठते हैं ना उनका, वैसे तो आर्मी वाले जो है उनको तो पता ही है, जो नहीं है सिर्फ उन्हीं के लिए है ये।
और एक ना डस्टबिन की बॉकेट भी रहती है, बट मेरे क्वार्टर में नहीं है, वैसे कहीं कहीं पे मिलती है। और जो हम कचरा डालते हैं ना, कचरे वाले भैया आते हैं सुबह के टाइम पे, उसका भी 200 रुपये कट लगता है यहाँ पे। वैसे तो यूनिटों में क्या होता है, पेमेंट से ही कट जाता है, बट यहाँ पे क्या है, घर पे आते हैं और पर्ची काट के दे के जाते हैं और पैसे ले जाते हैं 200 रुपये। और जो यहाँ पे बिजली का बिल है ना, वो भी आता है, कभी कभी क्या होता है इकट्ठे भी कटता है, और कभी कभी क्या होता है तीसरे महीने का भी आता है। यहाँ पे ना तीसरे महीने पेमेंट कट रही है हम लोगों की, जो बिजली का बिल है। मैंने इसके पापा से पूछा तो नहीं, मगर वो बोल रहे थे कि बिजली का बिल कट गया है, मगर मैंने ये नहीं पूछा ना कितना कटा है। मगर इससे पहले जहाँ हमारी पोस्टिंग थी ना, वहाँ हम 4-5 साल रुके थे, तो वहाँ का हमारा 25-26 हज़ार रुपये कटा था पूरे ही 4-5 साल में। जैसे कि 10 हज़ार रुपये एक बार कटे थे और 16 हज़ार हमारे इकट्ठे ही कटे थे, तो वहाँ पे मतलब बिजली का बिल ऐसे कटा था। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हम क्वार्टरों में रहते हैं तो हम लोगों को बिजली का बिल नहीं आता है, बिजली का बिल आता है, कभी कभी तीसरे महीने आता है और कभी कभी इकट्ठे ही कटता है। तो ये थी पूरी जानकारी हमारे क्वार्टरों के बारे में, जो हम लोगों को फ्री मिलता है और जो हमको पे करना पड़ता है। और भी कुछ भूल रही हूँ तो जब मेरे को याद आएगा मैं तब बताऊँगी आप लोगों को, वैसे तो यही है मेन। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, हम यहीं पे ही एंड करेंगे। और आप लोगों को आज की वीडियो मेरी कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो तो मैं अकेले अकेले कितना बात करूँ, तो आप लोग कमेंट कीजिए, तभी तो मैं आगे बातें करूँगी ना। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।